गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी स्क्वायर आर्मी, वेलकम टू अन एकेडमी टॉपर चैनल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउस कुटकुट, ओके बहुत ही प्यारा नाम है कुटकुट। आर यू एबल टू हियर मी एंड सी मी एवरीवन? एवरीबडी कैन सी मी एंड हियर मी? एक बार बता देना, हाँ एक बार बता देना, थोड़ा सा ना रिलैक्स मिल जाएगा मैम को, यस yes, कि ठीक है सब कुछ, यस। हेलो खुशी, हाय केशव, हाय वंशिका, हेलो एवरीवन, पहले अपने मोड में डालो। चलो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं, सब कुछ ठीक है, एवरीबडी फाइन, स्ट्रीम ठीक है। चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पार्ट थ्री आज हमको करना है, क्या करना है आज हमें, पार्ट थ्री कवर करना है, ठीक है बेटा। स्ट्रीम ठीक है ना, दिखा क्यों नहीं रहा है, मैं ये इतनी जल्दी हैंग हो गया क्या आज लैपटॉप? होता तो थोड़ी देर में जाके हैंग है। एक बार लेट मी सी, यस लेट मी सी कि सब ठीक है ना। हेलो मैम, हेलो एवरीवन, यस यस द स्ट्रीम इज ऑन, चलो नाइस नाइस नाइस, यस ओके। तो चलो सब ठीक है, नाउ वी कैन स्टार्ट विद टुडेज क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, यस ओके। तो ये आज हम पार्ट थ्री कवर करेंगे एंड विल बी जस्ट वाइंडिंग अप दिस चैप्टर, इसको रख देंगे। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा कल 11 बजे कौन सा होगा? यस yes, मेरे बच्चों कल 11 बजे हमारा होगा हमारा अपना चैप्टर इकोसिस्टम शुरू, उसके लिए भी जरूर आए आप। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर फॉर जूही मैम, 1 लाइक फॉर जूही मैम। एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इस शनिवार आने वाले इस शनिवार आपका किस चीज का टेस्ट है मेरे बच्चों? एवरीबडी हैज टू टेल मी। आपको पता है बेटा कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था पहला वाला? 11,000 बच्चों ने। और इस बार हमें एक्सपेक्टेड है कि इस सैटरडे करीबन करीबन 15,000 से 16,000 बच्चे टेस्ट देंगे। तो मैं आपको हर दिन ये बताऊंगी कि इस सैटरडे सुबह 9 AM आपका टेस्ट है। और टेस्ट किस चीज का है? पूरे जेनेटिक्स यूनिट का है, जिसमें 3 चैप्टर होंगे। इस टेस्ट में फ्री एनरोल करने के लिए आपको GNEET रेफरल कोड यूज करना है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और विनर्स को हम बुक्स भेजते हैं बहुत जल्दी, हिमांशी और जानवी को बुक्स मिल जाएंगे। और आप अपनी फोटोज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप बच्चों की फोटोज पोस्ट करेंगे, जिससे आप और मोटिवेटेड फील करें। अनअकैडमी नीट टॉपर ये हमारा टेलीग्राम चैनल विल मोर देन 49,000 स्टूडेंट्स, ठीक है, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे है बेटा। आप भी इसका पार्ट बनिए, माना हमारा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, बट जो भी पढ़ाता है दिल से पढ़ाता है आपको, ठीक है, यस बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा आज नोटिफिकेशन नहीं आया टेलीग्राम पे, यस हाँ आज मैंने नोटिफिकेशन नहीं डाला, बहुत बुरी बात है ना, बिल्कुल सही सही कह रहे हो यार। देखो 90 डेज का रिविजन बैच है, जो बच्चे अभी भी सोच रहे कि हमें एक रिविजन की जरूरत है, हमें किक की जरूरत है, कहते हैं ना लातों के बाद सॉरी बातों की लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये वही है बेटा तुम्हारे लिए। 90 डेज का क्रैश कोर्स आ गया है, जब जागो तभी सवेरा। यहाँ पे एक और एक नया बैच शुरू हो रहा है, फ्रेश बैच 11th क्लास के लिए, जिसे हम अर्ली एंथ्यूज बैच बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैचेस है। एंड द गुड न्यूज इज 11th क्लास के बच्चों के लिए वी आर लॉन्चिंग अ सीरीज फॉर यू, जिसकी हफ्ते में 2 क्लासेस होगी इसी चैनल पे, ठीक है। पहला चैप्टर पता है कौन सा शुरू करूंगी मैं? मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो शुरू करूंगी उसमें, जैसे कि 11th वालों का भला भी और तुम्हारा भी भला हो, ठीक है। एंड द बम्पर ऑफर स्टिल गोज, बेटा अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, जितने भी हमारे 11th वाले बच्चे हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, 12th वाले और जो अपन के इस साल के चैंपियंस हैं वो तो ज्वाइन कर सकते हैं। 3+1 का ऑफर चल रहा है, यानी 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप GNEET रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि आपको 6 महीने का लेना पड़ेगा, 3 महीने का, आप 3+1 का ऑफर का लाभ ले सकते हैं। अब ये कब तक रहेगा ये मुझे भी नहीं पता, मुझे भी डेली पता लगता है रहेगा ये या नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए फोन ई फोन, अच्छा अभी हमने वो कर दिया था ना, हाँ देखने के लिए। अब देखो यहाँ पे हो टॉप क्लासेस ऑफ नीट बाय एक्सपर्ट, अपन भी एक्सपर्ट में आने लगे बेटा, बहुत अच्छा फील होता है यार, अपन भी एक्सपर्ट में आने लगे। आज मैम की 12:45 पे प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस क्लास है। अब ये डेली होगी, ठीक है, कितने दिन होगी ये डेली होगी, तो जैसे आप यूट्यूब से हटते हैं आप डेली हमारे साथ प्रैक्टिस के लिए आइए, ठीक है। छोटी क्लास रखेंगे, 40-45 मिनट्स की क्लास रखेंगे, बट एक साथ आया करो, क्वेश्चन के आंसर दिया करो और भाग के चले जाया करो, मैं तुम्हें रुकने के लिए बिल्कुल नहीं कहती, ठीक है। फटाफट ऐसे बिल्कुल तूफान की तरह आया करो, तूफान की तरह जवाब दिया करो, तूफान की तरह ही निकल जाया करो, ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ ये अनअकैडमी कॉम्बैट, बेटा इसका पेपर मैम ने बनाया 18 अप्रैल वाला, उसको भी जरूर देना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। अब आ जाओ पढ़ाई करते हैं, यहीं पे हमने छोड़ा था, जो ये मैम भी यानी एक
पेज पीछे दे दे। यस चलो बेटा आज की पढ़ाई शुरू। जी स्क्वायर के साथ आपकी पढ़ाई शुरू। बेटा देखो एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज कैन बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर फ्री एजुकेशन। ठीक है, जो आप खुद नहीं करते वो हम लिटरली स्पून फीड कराते हैं आपको इस सीरीज में। तो आइए फटाफट से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और कल हम इकोसिस्टम करेंगे। मुझे अपने सारे बच्चे चाहिए होते हैं हर लेक्चर में। ठीक है चलो आ जाओ इधर। तो यहां पे हम करने वाले कॉम्पिटिशन वाला। ठीक है, द अकरेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेटिव रिलीज। ठीक है, अ स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीशीज। अब देखो बेटा इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका मतलब समझा दूं पहले कि हो क्या रहा है। अब मान लीजिए कि आपका इलाका है। क्या है बेटा आपका इलाका? बहुत प्यारा से तुम्हें एक एग्जांपल देने वाली हूं, तुम खुद समझ जाओगे यार मैम बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। ठीक है, आपके इलाके में अगर हम देखें तो डॉग तो होंगे, डॉग माने कुत्ता। ठीक है, कुत्ते हैं सबके यहाँ? यस बताइए बस जल्दी से बताइए। डॉग, ठीक है यस। मेरे को अंग्रेजी में बोलेंगे तो पता नहीं सोफेस्टिकेटेड लगता है, हिंदी में बोलते हैं तो लगता है सबको गाली दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम डॉग की बात करें, डॉगी, साउथ दिल्ली गर्ल्स होती तो वो डॉगी बोलती, इट्स डॉगी इट्स नॉट डॉग। ठीक है, सो डॉगी की बात करें तो आपने देखा होगा कि एक इलाके में ना इनकी ना इलाके बटे होते हैं, हर के यहाँ पे होता है। एक गली में दो इलाके हैं, एक डॉगी वन का एक डॉगी टू का। ठीक है, अगर डॉगी वन के इलाके में कोई आ गया तो बेटा वहां पे झगड़ा, वहां पे जंग छिड़ जाती है भौंकने की। पास कोई नहीं जाता मारने के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड माई स्टूडेंट्स, पास कोई नहीं जाता लड़ने के लिए, हाथापाई के लिए, सिर्फ भौंका गेम शुरू होता है। ठीक है, उस भौंकने के कारण तुम अपनी मूवी एंजॉय नहीं कर पाते हो घर में बैठे हुए। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली व्हाई। अब वहां पे मान लो कि अभी डॉगी है, डॉगी के वहां पे मान लो कि लोमड़ी आ गई, फॉक्स आ गया, वुल्फ आ गया। अभी आपको पता है डॉगी क्या करेगा? और बैठ जाएगा जाके। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहां पे तो भौंकने से काम चलेगा ही नहीं। लड़ता तो वो पहले भी नहीं था, भौंकता था, अब भौंकने से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो वुल्फ है वो उसको खा के निपट जाएगा। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जहां पे दो स्पीशीज है उसमें से एक स्पीशीज सुपीरियर है और एक इंफीरियर है। जो सुपीरियर वाली है कि उसकी एक भौंक से सब डर जाएंगे। ठीक है, दूसरी वाली अपना बढ़िया से रहेगी। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? अगर एक पेज स्किप भी हो गए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। देखो बिल्कुल देसी एग्जांपल देखिए, मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा रही हूँ, आपको टेंशन क्यों लेनी है कॉम्पिटिशन की। ठीक है यस, तो बेटा समझ में आया कि नहीं आया आपको? सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक कि कॉम्पिटेटिव रिलीज होता क्या है। अब इसको समझते कि एनसीईआरटी क्या कह रहा है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी गली में ऐसा होता है नहीं होता है? तुम बताओ। मैम वुल्फ कभी नहीं आया मेरी कॉलोनी में। अरे एग्जाम्पल था, सीरियस ले लिया ना तुम लोगों ने? यस, तुम बताओ ऐसा होता है ना? भौंकने का गेम बहुत शुरू होता है। तो ऐसे ही डेली लाइफ के एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी समझते हैं। ठीक है, देखो द अकरेंस ऑफ कॉम्पिटिशन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव रिलीज। अ स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीशीज। यानी कि अगर सुपीरियर स्पीशीज है तो आप अपना एक कोना पकड़ के बैठ जाएंगे, है ना? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इट्स फाउंड टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। और जो बेटा वहां पे वुल्फ, अगर वुल्फ आ गया तो वुल्फ हर जगह रहेगा और सारे के सारे डॉग एक जगह निपट जाएंगे। तो यहां से क्या पता लग रहा है कि जो सुपीरियर वाला है उसका दबदबा है। अरे भाई मुन्ना भाई की स्टोरी नहीं देखे? मुन्ना भाई का दबदबा हर जगह था। ठीक है, फिर हमारे गुड्डू पंडित आए, फिर गुड्डू पंडित भी ऊपर जब बढ़ने लगे, ठीक है, कॉम्पिटिशन बढ़ा। मुन्ना भाई और गुड्डू पंडित का क्या था, पूरा कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा। तो जब हमने देखा कि गुड्डू पंडित ज्यादा बढ़िया तो उनका दबदबा बढ़ गया और मुन्ना भाई एक जगह जाके रहने लगे। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, बिल्कुल। नाउ ड्रामेटिकली व्हेन द कॉम्पिटिटिंग स्पीशीज इट्स एक्सपेरिमेंटली रिमूव्ड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, कर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके यहाँ पे मैम इंपॉर्टेंट मार्क कर रही है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में आपके। ठीक है, कर्नल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, आपको पता है स्कॉटलैंड की बहुत सारी चीजें मशहूर है, जैसे चॉकलेट हो गई। ठीक है, बिल्कुल बहुत मशहूर है। द लार्जर एंड द कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर बॉर्निकल बलानस डोमिनेट्स द इंटरटाइडल एरिया एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बॉर्निकल
कैथमालस फ्रॉम दैट जोन. तो बेटा बलानस ने किसको रिमूव कर दिया? कैथमालस को. ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा कितने बढ़िया से नाम है, बलानस रिमूव कैथमालस, है ना. तो बलानस पहले देखो बी आता है फिर सी आता है, वो मत समझना जो तुम अक्सर बोलते रहते हो. बी पहले आता है तो ये ज्यादा डोमिनेंट है, सी जो है बाद में आता है तो ये लेस डोमिनेंट है. तो बलानस इज कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर एज कंपेयर टू कैथमालस. तो इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया, फिर आप रिलेट कर लोगे कि मैम ने अच्छा ऐसे समझाया था हमको. ठीक है, इन जनरल हर्बीवोर्स एंड द प्लांट अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स. अब होता क्या है, कंपटीशन हो रहा है रिसोर्सेस के लिए, अभी रिसोर्स तो निपटे जा रहे हैं. अभी देखो मैं तुम्हें बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, आप खुद रिलेट करोगे. अभी कॉलोनी में एक घर बनता है, वो बढ़िया से बनाता है, मार्बल वार्बल लगाएगा, इटालियन मार्बल सब कुछ लगाएगा. अब कंपटीशन शुरू हो गया, तुरंत से मम्मी आके, अजी शर्मा जी ने क्या घर बनाया आपने देखा, शर्मा जी की किचन देखी आपने, काम किसी ने नहीं करना, सबके सब आलसी. ठीक है, शर्मा जी की आपने किचन देखी, जैसे कि महल हो, किचन नहीं महल बना दिया पूरा. अभी क्या है ना, बिल्कुल आंटी को लग रहा है कि यार वो तो बहुत अच्छा है शर्मा जी का घर, अब वो पीछे पड़ चुकी है कि गुप्ता जी आप भी बना दीजिए. अब गुप्ता जी बनिए हैं, वो तो खर्च करेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब चलो उन्होंने ले दे के 70-80% मिलता जुलता बना भी लिया. तो बेसिकली हुआ क्या इन सब में, आपने रिसोर्सेज ही तो खर्च किए बिन बात के, बस इस चीज में कि हाँ शर्मा जी का घर अच्छा है तो गुप्ता जी का घर भी अच्छा होना चाहिए. इस चक्कर में बेसिकली आपने क्या किया, आप रिसोर्सेज पे रिसोर्सेज खर्च किए जा रहे हैं. सो कॉम्पिटिशन बेसिकली आप एक दूसरे लड़ तो रहे हो, बट अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट कहां आ रहा है, सोसाइटी पे. अल्टीमेटली यहां पे इंपैक्ट कहां आ रहा है, हर्बीवोर्स पे. सो दिस यू कैन सी बेटा, ये सब चेंजेस आपको देखने पड़ेंगे. सो कंपटीशन उतना ही अच्छा जब आपस में हो, आपके जो आसपास के लोग ना वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए. आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, चलो अब देखो गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. अब यहां पर गॉस सर ने एक बात कह दी और पूरा प्रिंसिपल ही बना दिया. ठीक है, यस बिल्कुल. States that two closely related species, very important, two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. अब देखो यहां पे बात क्या आ रही है, इसका भी मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दूंगी. क्या तुम चाहते हो कि मैम एक सुंदर एग्जाम्पल देके तुम्हें ये चीज समझाए, तो फटाफट से चैट बॉक्स में दिल बना दो. यस कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन. यस, तो आज मैं इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देती हूं कि हर घर में अगर दो बहुएं हैं तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती. क्या कहते हो, बिल्कुल सही बात है. ये आप आज की सोसाइटी में देख सकते हैं कि अगर एक ही घर में दो हम उम्र की बहुएं हैं तो कभी वो कोएग्जिस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि एक सुपीरियर होती है काम करने में, सबकी चहेती मेरी प्यारी. ठीक है, वहीं पे अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरी चहेती कम होती है क्योंकि वो अपनी प्यारी है ना. तो वहां पे कंपटीशन हुआ और कंपटीशन में क्या हुआ, दोनों को अलग रखना पड़ा क्योंकि कंपटीशन ने अक्सर घर घर में क्या लगा दी, फायर, है ना बच्चों. तो यही चीज है, यही चीज आपको गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताना चाह रहा है, क्योंकि इसने देखा था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना. तो यहां पे देखिए टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यानी कि दोनों बहुएं क्या है, दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है. ठीक है, फॉर द सेम रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, घर की चाबियां. ठीक है, कैन नॉट को एग्जिस्ट, एक घर में नहीं रह सकती. And competitively inferior, और जो निकम्मी वाली थी वो अक्सर घर से बाहर निकाल दी जाती हैं. तो आप बताइए क्या गॉस ने वो सीरियल देखा था या नहीं देखा था, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में. क्या एग्जाम्पल है ना बच्चों, वेरी नाइस. आज के बाद तुम कभी ये वाला एग्जाम्पल नहीं भूलोगे क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं चुगलाते हो, है ना. यस yes, बिल्कुल. This may be true If some resources are limiting but not otherwise. ये तभी true है जब resources क्या होते हैं बेटा, limited होते हैं. यानी घर की चाबी तो एक ही होगी ना, घर की चाबी एक है तो limited हो गया resource. याद रखना पड़ेगा तुम्हें ये हमेशा, ठीक है. Yes. More recent studies do not support such gross generalization about competition. अब देखो ये सब चीजें अब आती है सासू मॉम, सासू मॉम कहती है अरे नहीं हमारा घर घर नहीं मंदिर है. ठीक है, तो सासू माँ ने आते ही कह दिया है कि चलो बेटा गॉस अंकल बाहर निकलो मेरे घर से अभी के अभी. ठीक है, बिल्कुल चचा बाहर निकल गए,
While they do not rule out the occurrence of interspecific competition in nature, जबकि ये जो interspecific competition in nature है, which is basically the main force of organic evolution, ये हमने पढ़ा था last class में, ठीक है? They point out that species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than exclusion. तो यानी कि अब देखो इस line को समझेंगे फिर से एक example से, समझा दे मैम इस line को भी. Yes, चलो आ जाओ. तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये वाली line समझाऊं, तो ये देखिए, अगर यहाँ पे आपने देखा, अगर घर का झगड़ा solve कर दिया जाए तो दोनों बहुएं प्यार से रहती हैं, है ना? और उसके लिए पता है क्या करना होता है, घर में एक सहायक की जरूरत होती है जो सबका काम कर दे और खुशहाली बैक टू होम. तो यहाँ पे बेटा अगर आप चाहते हैं दोनों साथ रहें तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल. वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्टीशनिंग. अब देखो यही होता है, आप पहले बोल दो, देख तेरा कमरा ये, तेरा कमरा ये, ठीक है? ये किचन है, किचन में सुबह तू बनाएगी शाम में तू बनाएगी. हो गया बेटा, हो गया. देखो कितना बढ़िया समाधान निकाला कि नहीं निकाला, आप बताओ, है ना? रिसोर्स पार्टीशनिंग. देखो मैं तुम्हें एक ऐसी जनरल स्टोरी बता रही हूँ कि पूरे इकोलॉजी तुम समझ जाओगे कि बेसिकली हो क्यों रहा है ऐसा, ठीक है? व्हाई दे कम अप, तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये स्टोरी याद रखनी है तुमको, ठीक है? तो रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है भाई? सुबह का ब्रेकफास्ट तेरा, रात का डिनर तेरा, ठीक है? दिन में तुम सब बाहर निकलो घर से, ठीक है? बिल्कुल. If two species compete for the same resource, they could avoid competition by choosing the instance different times. लो, यही तो हमने किया. Timing ही change कर दो, ना एक दूसरे की शक्ल दिखेगी ना एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे. सीधी सी बात है ना भाई? देखो different time for feeding और different foraging patterns. एक तो क्या है, अभी देखो एक छोटी वाली बहू मॉडर्न आई है, वो पिज्जा पास्ता खाती है, बड़ी वाली कहते हैं हमको पूरा गट्टे की सब्जी और पूरी चाहिए. अभी दोनों में आप देख सकते हैं कि डिफरेंस है, ओपिनियन का डिफरेंस है, ठीक है? मैं, अरे मेरी घर की बात नहीं है, मैं आई एम जस्ट ओनली डॉटर इन लॉ, ठीक है? तो मेरे पे हर स्टोरी मत लगाया करो, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है कि बड़े डिफरेंट टाइम फीडिंग और फोराजिंग पैटर्न्स. अभी अब उसे देखो पिज्जा पास्ता पसंद है तो खा भाई, तू अपना अलग से बना, उसका कॉर्नर ही अलग कर देंगे, तू अपना अवन ले और चलती बन, ठीक है? दूसरे को कह देंगे ये लो बेटा, ये आपका चूल्हा चौका, आप यहाँ पे लगी रहो. तो इस तरीके से यू कैन चेंज द पैटर्न्स, है ना? यू कैन चेंज द पैटर्न्स, ठीक है? बिल्कुल. MacArthur, अब देखो यहाँ पे एक नई चीज आई है, नए चचा आए हैं घर में, ठीक है? विलन नंबर टू, आपने देखा होगा अक्सर हर सवा महीने बाद एक नए विलन की एंट्री होती है. सो नए चचा कौन है? MacArthur चचा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लेते हैं. MacArthur showed that five closely related species, मतलब कि कितनी बहु है, पांच बहुओं की बात की है चचा ने, ठीक है? यस. अब पांच क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉबलर्स Living on the same tree were able to avoid competition. पांच मऊएं एक घर में रह रही है, क्यों? क्योंकि पांचों अलग अलग फ्लोर पे रह रही हैं. आप समझ लो, फ्लोर सिस्टम आया इसलिए, इंडिया में फ्लोर सिस्टम आया इसलिए क्योंकि बेटा पांच बहुएं हैं, पांचों बहुओं को बेटा तू सबसे ऊपर वाले पे, फिर इधर, तू इधर, फिर तू इधर, फिर तू इधर, है ना? अब पूरा परिवार रहे तो एक ही साथ रहे, ठीक है? पर पांच बहुएं एक साथ रह रही है. तो MacArthur चचा वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उन्होंने अपना घर में ना फोरेजिंग का मतलब तो खाने का पैटर्न, दिल धड़कने दो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे MacArthur चचा ने पांच क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को देखा और देखो पांचों बिना लड़ाई के रह रही है, क्यों? क्योंकि दे अवॉइडेड कॉम्पिटिशन, उन्होंने को एग्जिस्ट किया क्योंकि उनका खाने पीने सबकी आदतें अलग थी, टाइमिंग अलग था, खाने का पैटर्न अलग था, सब कुछ अलग था, फिर भी को एग्जिस्ट कर गए, है ना? आया कि नहीं आया समझ में पूरा पैराग्राफ? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी बताओ, है भाई मेरे नलायक को? आज के बाद ये पैराग्राफ कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में. हाँ भाई, यस. अच्छा एक बच्चा कह रहा है मामा बच्चों बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रही है. अच्छा याद कराना, अगर बेटा अगर इकोलॉजी में तुम्हारे तरीके से पढ़ा दूंगी ना, मेरी क्लास में ना कल से पांच बच्चे आएंगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ. तुम इतने बोर तरीके से पढ़ते हो इकोलॉजी, यू नो द बेसिक आइडिया. एक बात बताओ, डार्विन ने कैसे इवोल्यूशन की बात कर दी? क्योंकि उसने सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, उसने पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, तब जाके उसने थ्योरी दी. आपको समझना जरूरी है कि व्हेनेवर आई टॉक गिव एग्जांपल्स, इट्स जस्ट टू मेक श्योर दैट यू रिलेट एंड यू लर्न. वरना इकोलॉजी तुम इतने बोर तरीके से पढ़ते हो, मैं सच बता रही हूँ, एक बच्चा आधे पौने घंटे में इकोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ सकता है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कर रहा है,
वो ना उसको समझने की कोशिश कर रहा, ना उसको याद करने की कोशिश कर रहा. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों कि ऑल दीज एग्जाम्पल, मेरे को क्या मजा आ रहा है यार ये सब करके. बट अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग में भी होती, क्लासरूम में होती, मैं तब भी ऐसी पढ़ाती. बहुत सारे बच्चे होंगे तो मुझे जानते हैं ऑफलाइन कोचिंग से, दे नो आई यूज टू टीच लाइक दिस ओनली. ठीक है, चलो आ जाओ, अब आओ इधर. नेक्स्ट पे आते हैं पैरासिटिज्म. अब पैरासिटिज्म की बात करें तो यहाँ पे भी लाइफ का एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, पैरासिटिज्म में एक दोस्त की बात करते हैं. वो दोस्त तुम्हारे ही, मतलब जैसे तुम्हारा टिफिन खुलता है तो वो सबसे पहले सूंघता चला आता है कि ठीक है वो अपना टिफिन नहीं लाएगा. क्यों? क्योंकि वो तो सुबह खा चुका है, या कोने में छुप कर खाएगा. ठीक है, तो ऐसे प्यारे दोस्त जो तुम्हारे टिफिन पे डिपेंडेंट हैं, उन्हें हम पैरासाइट बोल सकते हैं, क्योंकि तुम पतले होते जा रहे हो, उसकी तंदुरुस्ती बनती जा रही है. ठीक है, बिल्कुल. तो पैरासाइट होता क्या है? अगर पैरासाइट की बात करें तो यहां पे हमें दो चीजों की बात करनी पड़ती है, एक होस्ट की और एक पैरासाइट की. ठीक है, पैरासाइट क्या है? जो होस्ट की बॉडी पे रहता है. अब पैरासाइट यहां पे दो तरीके के हो सकते हैं, एक एक्टो पैरासाइट हो सकता है, एक एंडो पैरासाइट हो सकता है. एक्टो पैरासाइट वो है जो बॉडी के बाहर चिपक के तुमसे खून चूस रहा है. एंडो पैरासाइट वो है जो बॉडी के अंदर रह के तुम्हारा खून चूसने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, और एक पैरासाइट वो होते हैं बेबी सोना थोना वाले, कि बेबी 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 आज खाना लाओगे, बेबी बेबी मेरे को भूख लग रही है. ठीक है, यस, ऐसे वाले डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पैरासाइट है जो हमारी साइंस भी नहीं जानती, बट हम जानने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, यस. कंसिडरिंग दैट द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ एंश्योर्स फ्री लॉजिंग. लॉजिंग का मतलब क्या बेटा? फ्री का होटल. ठीक है, लॉजिंग के ऊपर लिख लो रहना, इसका मतलब है रहना. ठीक है, फ्री का रहना, फ्री का खाना. देखो यही मैं आपने एग्जाम्पल में बताया था, है ना? यस, बिल्कुल. फ्री का खाना, फ्री का पीना, खाना सब कुछ. इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैज इवॉल्व्ड इन सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स. अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी पैरासाइट्स होते हैं, नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं. एनिमल्स की बात करें तो वहां पे भी होते हैं. तो हर जगह पैरासाइट है, हर तरह के. ठीक है, यस, बिल्कुल. नाउ मेनी पैरासाइट हैव इवॉल्व्ड टू बी होस्ट स्पेसिफिक, लेकिन पैरासिटाइज ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ द होस्ट. यानी कि वो वाले पैरासाइट है जो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के पास जाते हैं. ठीक है, यस. यानी कुछ होते हैं ना जो देखते हैं कि आपसे फ्रेंडशिप तब करेंगे जब आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं. तो दे बिकम वेरी होस्ट स्पेसिफिक कि आपको अमीर होना पड़ेगा अगर आप मुझे एज पैरासाइट चाहते हो तो. अगर आप अमीर नहीं हो, तंदुरुस्त नहीं हो, तो आप चलते बनो, आप तो फिर लायक ही नहीं हो होस्ट बनने के. ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक भी हो जाती है. और ऐसे पैरासाइट्स को ऑब्लिगेटरी, ठीक है, यहाँ पे हम स्पीशीज स्पेसिफिक और ऑब्लिगेटरी, चलो मैं बता देती हूँ, वो है जहां पे बिना पैरासाइट के वो दोनों का रहना मुश्किल है. ठीक है, in such a way that both host and the parasite tend to co-evolve. Co-evolve सबसे important word है यहाँ पे. यहाँ से question आता है, co-evolve का मतलब क्या है? अब देखो, host अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग तकनीक करेगा, यानी अमीर है बट दिखाएगा नहीं. ठीक है, सस्ता कपड़ा पहनने की कोशिश करेगा बट शक्ल से दिख जाएगा लड़का अमीर है. ठीक है, वहीं पे अगर दूसरे लड़के की बात करे तो वो कहेगा कि, वो भी कहेगा हाँ हाँ मेरे से छुपेगा, मेरे पास भी तेरी स्टेटमेंट देखने के 10 तरीके हैं. तो यानी कि यहाँ पे होस्ट अपने आप को इवॉल्व कर रहा है टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, टू रेजिस्ट इन्फेक्शन. वहीं पे पैरासाइट है, ठीक है, पैरासाइट अपने आप को इवॉल्व कर रहा है टू इन्फेक्ट. दिस इज इन्वॉल्विंग टू इन्फेक्ट. तो इस तरीके से दोनों का जब एवोल्यूशन हो रहा है, एक अपने बचाव के लिए, एक इन्फेक्शन करने के लिए, तो दोनों को मिला के हम प्रोसेस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड co-evolution. क्या बोलते हैं नैन्सी, साक्षी? इसको हम बोलते हैं co-evolution. If the host evolves special mechanism for rejecting or resisting the parasite has to evolve mechanism to counteract and neutralize them. ठीक है, in order to be successful with the same host species. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, बट सफलता किसको मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, है ना बेटा? गौरव सर, कल मेरी बात हुई थी, ठीक है, मैं और मैम, मतलब उनकी वाइफ को भी कोविड हो गया है, सो थोड़ा सा सीरियस है. सर इज इम्प्रूविंग, सर की हेल्थ इम्प्रूव कर रही है, बट ही इज हैविंग राइट नाउ लॉट ऑफ वीकनेस. ठीक है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस अपनी गुड विशेस सर के साथ हमेशा रखना. ठीक है, यस, बिल्कुल. अब आते हैं नेक्स्ट. इन अकॉर्डिंग विद द लाइफ स्टाइल पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल अडेप्टेशन सच एज अ लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन. बट एक बात बताओ, जब तुम्हें पता ये फ्री का रहना है, फ्री का खाना है,
तुम्हारे सेंस ऑर्गन, तुम्हें पता है वॉलेट बाहर निकालना ही नहीं है, क्योंकि फ्री का खाना, फ्री का पीना, फ्री का रहना है, वॉलेट तो निकलेगा ही नहीं, तो वॉलेट की जरूरत क्या है, घर छोड़ के चले जाओ। तो ये चीज यहाँ पे भी है, इसने भी क्या कहा, अभी मेरे को सब कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में, तो सेंस ऑर्गन की जरूरत क्या है, लूज आउट कर दिया, चलो भाई खिसको यहां से, ठीक है। यस देन प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स, अब क्या है, चिपके रहना है दोस्त के साथ, ठीक है, टू गेट द न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे उसके पास एडहेसिव ऑर्गन है। देन सकर्स टू क्लिंच ऑन टू द होस्ट, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये यहां से मैं एक क्वेश्चन बना सकती हूँ नीट एग्जाम के लिए कि व्हाट आर द अडेप्टेशंस अडॉप्टेड बाय पैरासाइट, ठीक है। सो दिस कैन बी माय क्वेश्चन फॉर नीट, तो आप यहां पे लिख सकते हैं अडेप्टेशंस, अडेप्टेशंस फॉर बीइंग अ पैरासाइट, पैरासाइट, ठीक है, फॉर बीइंग अ पैरासाइट, डन। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्विंग वन और टू इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ वेक्टर्स टू फैसिलिटेट पैरासिटिज्म। प्राइमरी होस्ट, अब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट की बात करेंगे बेटा, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट वो होता है, कौन सा होता है बेटा प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट वो है जहां पे उसके रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं प्राइमरी होस्ट के पास, यस राइट इन द चैट बॉक्स, प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसके पास रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होते हैं। कौन से स्टेजेस, ओहो क्या होते हैं बच्चों, इसके पास प्राइमरी होस्ट के पास हमेशा रिप्रोडक्टिव स्टेजेस होते हैं, ठीक है। वहीं अगर सेकेंडरी होस्ट की बात करें, फिर टॉक अबाउट द सेकेंडरी होस्ट, तो सेकेंडरी होस्ट कैन हैव इंटरमीडिएट स्टेजेस, इसमें इंटरमीडिएट स्टेजेस हो सकती है उसकी लाइफ साइकिल की, इंटरमीडिएट स्टेजेस हो सकते हैं उसकी लाइफ साइकिल की, ठीक है बच्चों। नाउ ये प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट हो गया, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल, ह्यूमन लिवर फ्लूक, कहां पे दिया हुआ है, एनिमल किंगडम में, द ह्यूमन लिवर फ्लूक अ ट्रिमेटोड पैरासाइट डिपेंड्स ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, इसके दो इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है, एक है स्नेल एंड अ फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। वहीं पर मलेरियल पैरासाइट की बात करें, तो मलेरियल पैरासाइट नीड्स अ वेक्टर, और वो वेक्टर का नाम क्या है, यस फीमेल एनोफिलीज, क्या नाम है इसका, फीमेल एनोफिलीज इज द नेम, ठीक है। स्प्रेड टू अदर होस्ट, मेजोरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी, तो अल्टीमेटली उनका शरीर कमजोर करेंगे, शरीर कमजोर करेंगे तो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी कम से कम हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। चलो वनरेबल टू प्रिडेशन एंड फिजिकली वीक, चलो ये तो हो गया, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं यहां से इसके एग्जाम्पल, ठीक है, शुरू करते हैं वाला पैराग्राफ जिसमें एग्जाम्पल एग्जाम्पल है। मैम रेसिपी ऑफ जूस देंगे बेटा, देंगे अभी बता, आज बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, ठीक है, यस थोड़ा सा व्यस्त है बट अब फ्री हो जाएंगे, ठीक है, यस आ जाओ इधर आ जाओ। पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्टो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट कौन से होते हैं, जो शरीर के बाहर रहते हैं, ठीक है, चलिए एग्जाम्पल बताइए, यस द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप आर द लाइस ऑन ह्यूमंस। लाइस क्या है, जू, क्या होती है, जू, जू, ठीक है, यस जू जो सर में रहती है, जू जू जू, ठीक है, एक्टो पैरासाइट। टिक्स ऑन डॉग्स, डॉगी की जो जू होती है उसे टिक्स कहते हैं, ठीक है, यस ऐसे याद कर लो। और इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लीच, जॉ, लीचेस जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, जॉ, ठीक है, यस जॉ भी क्या कहते हैं, खून चूसती है, ठीक है बेटा। अगर नैन्सी ने कह दिया स्पैम मत करो तो मत करो, सिंपल सी बात बता रही हूँ, नैन्सी का दिमाग ढीला हो गया, वो रोस्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है, तो प्लीज मत करो यार, वो रोस्टिंग शुरू कर देगी फिर उसके बाद। Many marine fishes are infested with ectoparasitic copepods. तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। कस्क्यूटा, ये प्लांट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा, यस कस्क्यूटा पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट हैज लॉट्स इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। बेटा जब उसे पता था उसे फ्री का खाना मिल रहा है तो बेटा उसने क्या किया, अपना घर बार तो छोड़ ही दिया, ये चीज यहाँ पे भी हो रही है, कस्क्यूटा ने अपना क्लोरोफिल छोड़ दिया, ठीक है, अपने पत्तियां छोड़ दी, उसे पता है मेरे को चिपक के साथ न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है, यस बिल्कुल। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट विच इट पैरासाइट। द फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट, इंपॉर्टेंट लाइन,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है. यहां पे देखिए, द फीमेल मस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड अ पैरासाइट ऑल्दो इट नीड्स अ ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन. जो फीमेल मस्किटो है उसे पैरासाइट नहीं बोलेंगे, उसकी जगह वर्ड क्या यूज करेंगे हम, वेक्टर. क्या यूज करेंगे उसके लिए वर्ड, वेक्टर. बिना वेक्टर के उसकी लाइफ साइकिल मुश्किल है प्लास्मोडियम की, ठीक है, बिल्कुल सही. अब आते हैं नेक्स्ट पे. इन कॉन्ट्रास्ट एंडो पैरासाइट यानी कि जो बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें एंडो पैरासाइट कहते हैं. आर दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स. साइट्स कौन कौन से देख लेते हैं, यस बिल्कुल, लिवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी, ठीक है. लिवर के पैरासाइट का नाम बताइए जल्दी से, एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स. अभी तक हमने कोई पढ़ा है लिवर का, यस जल्दी बताइए. जल्दी बताइए, यस. चलो, लिवर का एंडो पैरासाइट का एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक, जो एनसीईआरटी ने लिखा है. किडनी का एनसीईआरटी ने नहीं दिया है मेंशन. यहां पे आप लिख सकते हैं स्कैरिस, उसका कुछ पार्ट आता है स्कैरिस का लंग्स में, ठीक है. लंग फ्लूक भी होता है हमारे पास, लंग फ्लूक. आरबीसी में आपका आ गया प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम, ठीक है. ये सारे आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिल्कुल. चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ एंडो पैरासाइट आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ओके. देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर आर ग्रेट सिंप्लीफाइड व्हाइल एम्फसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. अब देखो यहाँ पे बात तो वही हुई ना, नेचर ने किसको सेलेक्ट किया है, खूबसूरती की जगह किसको सेलेक्ट किया है नेचर ने, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को. देखो यहाँ पे कितनी सिंपल बात लिखी है उसने, भाई दिखने में बिल्कुल सीधे साधे हैं बट जब इस कैपेसिटी की बात आती है तो बिल्कुल बम है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए सूरत और सीरत कुछ टाइम के बेटा, बट एबिलिटी जो नापी जाएगी नेचर में वो कौन सी है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस. कौन सी बेटा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस. चलो बाय ब्लैक स्टॉर्म, आप स्टॉर्म की तरह हो, स्टॉर्म की तरह चले गए. चलो नेक्स्ट पे आते हैं, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. नाउ ब्रूड पैरासिटिज्म, लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी वेयर कोयल एंड क्रो, कौआ, ठीक है बेटा. कोयल और कौए में क्या फर्क है, चलिए जल्दी बताइए. कौआ काउ काउ करता है, कोयल कोयल सी तेरी कुकू टनननना टनननना, है ना, यस. तो आप देख सकते हैं यही डिफरेंस है जो मैम ने भी आपको करके भी दिखाया, बिल्कुल सही बात है. जो कोयल है कोयल सी तेरी कुकू टनननना, और कौए की बात करें का 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 ऐसा करता रहता है, ठीक है. तो यही है, अरे और भी फर्क है नलायको, ये तो मैं तुम्हें विजिबल फर्क बता रही हूँ, ठीक है. पता लगे एग्जाम में ढूंढ रहे मैम कौन कौन आवाज तो कहीं डिफरेंस में था ही नहीं. चलो, ब्रूड पैरासिटिज्म इन बर्ड्स इज अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट द होस्ट इनक्यूबेट देम. अब हुआ क्या, कोयल आजाद, शी इज लुकिंग फॉर फ्रीडम, ठीक है, यस. कोयल को क्या चाहिए बेटा, फ्रीडम, ठीक है. कौआ क्या है, रिस्पॉन्सिबल. अब कोयल ने अपने बच्चे पैदा किए, ठीक है, उसने अंडे ले जाके बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ रख दिए, कहां पे, आपके कौए के नेस्ट में, ठीक है. कौए को पता नहीं चला, ठीक है, इंक्यूबेशन होता रहा, ठीक है, होता रहा होता रहा. फिर उसके बाद जब वो हैच हुए तो उसने देखा, हा जिंदगी मौत ना बन जाए, ठीक है. उसने कहा बिल्कुल गलत हो चुका है, ये तो कोयल जैसे कौन कौन नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए उसे जब पता लगता है तो वो धोखे में बिल्कुल ऐसे गजनी टाइप बन जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म. उसको क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं, ठीक है. अब देखो मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ, मैंने अपने प्रोफेसर से भी एक क्वेश्चन पूछा था कि सर एक बात बताइए, चले आपसे भी ये सवाल पूछते हो, आपको जवाब मिले तो आप भी मेरे को बताना. मैंने अपने टीचर से पूछा तो मैं क्लास से थोड़ा सा मेरे को रवाना कर दिया गया था, ठीक है. आप एक बात बताइए बेटा, मान लीजिए नेस्ट ऑफ क्रो है, कौए का नेस्ट है, हाँ जी उसको तो पता है उसने कितने अंडे दिए हैं, उसको तो पता है ना, एक दो तीन चार, मान लो कि उसने चार अंडे दिए है. अब जब वहां ही पे कोयल के अंडे आ गए, ठीक है, तो कोयल के अंडे आए तो पांच और छह हो गए, तो उसको ये नहीं लगा कि दो अंडे कहां से आ गए, या फिर कोयल बहुत बदतमीज है कि उसने उसके दो और तीन चार अंडे निकाल दिए और अपने दो अंडे लगा दिए, ठीक है. मतलब कुछ तो है, मुझे ये वाली चीज समझनी है कि कोयल बदतमीज है या कौआ थोड़ा कम अकल का है.
मुझे ये कॉन्सेप्ट कौन बच्चा बताएगा? यस, ढूंढ के आना, इसमें रिसर्च करके आना, मुझे ये बताना कि आखिर माजरा क्या है यहाँ पे, कि भाई कोयल बहुत ही बदतमीज है या फिर कौवा जो है थोड़ा सा तो है बेटा, थोड़ा सा तो है ढीला उसका, ठीक है? यस बताना, ठीक है चलो, ऐसे आप भी करना, बताना मुझे, फिर उसके बाद देखते हैं। चलो हम नेक्स्ट पे आएंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग्स ऑफ द पैरासिटिक बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड टू रिसेम्बल द होस्ट एग। तो जो बेसिकली पैरासिटिक बर्ड यहाँ पे कोयल है, उसके जो अंडे है वो किसकी तरह मिल रहे हैं? होस्ट यानी क्रो की तरह, क्रो के अंडे जैसे दिख रहे हैं। साइज ऑफ कलमिटी रिड्यूस द चांस ऑफ होस्ट बर्ड्स डिटेक्टिंग द फॉरेन एग एंड इजेक्टिंग देम आउट फ्रॉम द नेस्ट। ठीक है, तो उसको पता है। अब देखो यहाँ पे कौवा चलाक है कि उसको अगर फर्क पता चल जा रहा है तो वो बाहर फेंक दे रहा है। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा गड़बड़ है इसमें। मैंने काफी बुक्स देखी यार, मैंने इवन आई ट्राइड सर्चिंग ऑन यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो, मुझे आज तक पता नहीं चला यार, जेन्युइनली बता रही हूँ बेटा, मुझे आज तक पता नहीं चला और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ द कुकू। मैं आपको बताती हूँ, इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देती हूँ, तुम बहुत करते हो ये सब चीजें। जब तुम अपनी फाइल गंदी बनाते हो, फाइल का मतलब समझो प्रैक्टिकल फाइल, या अभी तुम मेडिकल कॉलेज में जाओगे, मान लीजिए राजनंदनी अच्छी बच्ची है, उसकी फाइल ऐसी है कि मतलब देखते ही मन भर जा रहा है, ठीक है बिल्कुल बढ़िया से। और वहीं पर अगर हम ले ले किसकी, किसकी ले, अंकित चौहान की ले लेते हैं। अंकित चौहान की फाइल बिल्कुल ही ऐसे लगा लो कि लास्ट मिनट में बनाई है, तो अंकित में कभी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी फाइल सबसे ऊपर रख दे, वो एकाध एकाध फाइल उठा दो बिल्कुल बीच में रख देगा कि मैम तो जैसे आंख बंद करके बैठी है और अब फटाफट से बस साइन कर देगी। अरे भाई कोई डॉक्यूमेंट है क्या प्रॉपर्टी के जो तुम बीच में लगा देते हो? टीचर नालायक नहीं होता जितना तुम समझते हो, यस ये तुम ही हो। तो यहाँ पे जो हमारा अंकित है, ठीक है, जो हमारा अंकित है उसे हम पैरासिटिक बर्ड कह सकते हैं और हमारी राजनंदी उसे होस्ट कह सकते हैं, ठीक है यस, क्योंकि वो तो भाई भली बच्ची है ना, वो तो कर ही रही है अपना काम। तो इस तरीके से तुम अपनी डेली लाइफ में भी ब्रूट पैरासिटिज्म देख सकते हो बढ़िया से, ठीक है यस। सो ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ द कुकू एंड द क्रो इन योर नेबरहुड। यही बच्चा अब जिंदगी में, ठीक है चलो देखना और बताना अगर दोनों मिल जाते हैं आपको एक ही जगह पे। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कमेंसलिज्म। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, कमेंसलिज्म। रुको एक सेकेंड, चलो कमेंसलिज्म की बात करें। सो दिस इज अ इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड अदर इज नाइदर हार्म नॉट बेनिफिटेड। तो बेसिकली ये रिश्ता क्या कहलाता है बच्चों? ये रिश्ता प्लस जीरो का कहलाता है। क्या कहलाता है ये रिश्ता? प्लस जीरो का रिश्ता है। एक को फायदा हुआ, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, प्लस एंड जीरो रिलेशनशिप। तो आखिर देखते हैं कि नेचर में इतने कौन से बढ़िया लोग हैं जिनमें जिनको फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे को फायदा भी हो जा रहा है, ठीक है चलिए देखते हैं। एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच। तो जो हमारा ऑर्किड है वो ग्रो कर रहे हैं कहां पे? आम की लकड़ी पे, ठीक है, कहां पे ग्रो कर रहे हैं? आम की लकड़ी। अब आम सुनते ही सबके दिमाग में मैंगो शेक आ गया होगा, ठीक है, यस हो सकता आ गया हो। एंड द बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल बेनिफिट व्हाइल नाइदर द मैंगो ट्री नॉट द वेल डिराइव्स एनी अपेरेंट बेनिफिट। देखो ना यहां मैंगो को फर्क पड़ा, वो कह रहा कर ले भाई, ठीक है, और यहाँ पे वेल कह रहे चल हो ले ग्रो, दोनों को फर्क पड़ नहीं रहा, बट उन दोनों को फायदा हो रहा है क्योंकि उन दोनों को शेल्टर मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है, ठीक है बिल्कुल। द कैटल इग्रेट, कैटल इग्रेट क्या है? अरे भाई पक्षी है, पक्षी समझे, पक्षी नहीं पक्षी, बिल्कुल। तो पक्षी है, सफेद रंग का पक्षी है, ठीक है, इस तरीके से बैठा रहता है कैटल के ऊपर, ठीक है यस। अब देखो सांप नहीं है, पक्षी बना रहे हैं, ठीक है, इस टाइम द कैटल इग्रेट। तो पहले तो ये वाले एग्जाम्पल लिख लो, वन, और ये है दूसरा एग्जाम्पल, ये है तीसरा एग्जाम्पल, तीनों यहाँ पे लिखे होने चाहिए सब बच्चों के एनसीईआरटी में एक बार रिवाइज करने के लिए, ठीक है यस बिल्कुल। अब आओ इधर, द कैटल इग्रेट एंड द ग्रेजिंग कैटल आर इन क्लोज एसोसिएशन। तो जो पक्षी है वो गाय के ऊपर बैठा है, कहां पे बैठा है बेटा? गाय के ऊपर बैठा है पक्षी, ठीक है, इस तरीके से। अब होता क्या है, अ साइट यू आर मोस्ट लाइकली टू कैच इफ यू लिव इन फार्म रूरल एरियाज। जितने भी अपन जैसे देसी गांव वाले बच्चे हैं वो सबके सब देखे होंगे जरूरी है, बिल्कुल माहौल बिल्कुल सेट रहता है गांव में सब, ठीक है बिल्कुल। इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, ये बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का, क्यों है चलिए देखते हैं। द इग्रेट्स ऑलवेज फॉरेज क्लोज टू वेयर द कैटल एंड ग्रेजिंग बिकॉज द कैटल
as they move, stir up and flush out insects from their vegetation that otherwise might be difficult for them to egrets to find and catch. तो basically हो कह रहा मैं तुम्हें बताती हूँ. यहाँ पे देखिए ये गाय है, मान लीजिए यहाँ पे बैठी इग्रेट. अब गाय ऐसे ऐसे करेगी खाना खाने के लिए, ठीक है, इंसेक्ट्स उड़ेंगे और यहाँ पे बैठी धम पकड़ लिया, धम पकड़ लिया. तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे गाय अपना मुंह हिलाती है खाना खाने के लिए, वैसे वैसे सारे के सारे इंसेक्ट बाहर निकलते हैं और ये फटाफट से पकड़ के खा लेते हैं. तो इनकी मेहनत बच रही है कि भाई इनको जा जाके ढूंढना नहीं पड़ रहा है, इनके लिए दावत बना देती है गाय, ठीक है, बिल्कुल दावत बना देती है गाय, ठीक है, यस. तो अब आते हैं नेक्स्ट पे, अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, यानी फोर्थ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कमेंसलिज्म का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. सो दिस वुड बी द फोर्थ एग्जाम्पल. यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा चित्र भी बहुत सुंदर सुंदर दिए हैं, ठीक है, यस, आ जाइए देखते हैं. बिटवीन द सी एनिमल दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड द क्लाउन फिश दैट लिव्स अमंग देम, ठीक है, तो आप यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, वाह, फोटो किसी और चीज की दी है, एक्सप्लेन किसी और चीज को किए हैं. चलो बेटा क्लाउन फिश बहुत सुंदर फिश होती है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ हाउ डज अ क्लाउन फिश एक्चुअली लुक्स लाइक. रुको मैं अभी दिखाती हूँ आपको, अरे हमारे पास टेक्नोलॉजी है बेटा, वी हैव टेक्नोलॉजी, यस, यहाँ पे लिखेंगे क्लाउन फिश सबके सब. चलो देखिए कितनी सुंदर है, इमेजेस देखते हैं सीधा, ठीक है, ये देखिए कितनी सुंदर है. और देखिए यहां पे देखिए ये वाला फोटो देखिए आप, ये देखिए, अरे बाप रे कितना सुंदर फोटो निकाले हैं, देख रहे हो, शानदार फोटो निकाले, बिल्कुल ओरिजिनल से भी सुंदर. ऐसा भी कभी होता है, फोटोशॉप किए होंगे पक्का, प्रेम स्टूडियो फोटोशॉप हुआ है यहाँ पे. मतलब ओरिजिनल से भी सुंदर कोई चीज हो सकती है तो वो क्या है, फिल्टर्स, स्नैपचैट का फिल्टर लगाए हैं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बट सुंदर देख रहे हैं कितना है नेचर. तो ये जितना भी हरा हरा आप देख रहे हैं ये सबका सब सी एनिमोन है, ठीक है, सी एनिमोन के मेट्रीडियम है आपका, उसके बाद टेंटिकल्स है, स्टिंगिंग, यहाँ पे बीच में छुप जा रही है आपकी क्लाउन मछली, ठीक है. अब देखते हैं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, चलो बेटा फिल्टर की दुनिया से अंदर आओ वापस, यस, चलो. अब देखो यहाँ पे क्या लिखता है, फोर्थ एग्जाम्पल में सी एनिमोन दैट आर स्टिंगिंग टेंटिकल्स, इनके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स है एंड क्लाउन फिश दैट लिव्स अमंग देम, द फिश गेट्स प्रोटेक्शन, इसके कारण स्टिंगिंग सेल्स के कारण उसे क्या मिल रही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स. तो जितने भी प्रेडेटर है वो दूर रहते हैं क्योंकि उनको पता है अगर हम पास आए तो जोर का झटका धीरे से नहीं तेज से लगेगा, ठीक है, बिल्कुल. नाउ द सी एनिमल डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लाउन फिश, उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ये तो वही बात हो गई. मैं एक फिर से ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दे देती हूँ तुम्हें, दे दो क्या बेटा, आज एग्जाम्पल बहुत आ रहे हैं दिमाग में और बिल्कुल बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आ रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए. मैं तुम्हें बताती हूँ इसका बेस्ट एग्जाम्पल. देखो क्या होता है ना, आपने देखा होगा भूतिया मूवीज में अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कुछ भी आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अलग व्यवहार कर रहा है तो जो हमारी हीरोइन होती है उसको अक्सर बचाना रहता है, आपको पता है, ठीक है, तो हीरोइन के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है. अभी हीरोइन क्या करेगी, उसको कुछ नहीं मिला, वो सीधा मंदिर में जाके लेट जाएगी, ठीक है. अब उसको पता मंदिर में आके मेरी प्रोटेक्शन हो गई है ना, मंदिर को क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं फायदा हुआ, बट उसको तो फायदा हो गया, अब जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो सब बाहर रहेगी. तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउन फिश कहती है अरे मेरा मंदिर है सी एनिमोन, सीधा वहां जाके छुप जा रही है, ठीक है, बिल्कुल सीधा वहां जाके छुप जा रही है, उसको कोई मतलब नहीं अब दीन दुनिया से, अब मैं सेफ हूं, मेरे को कोई कुछ नहीं कह सकता, है ना, यही चीज है बिल्कुल. तो बढ़िया एग्जाम्पल था, है ना, क्या कहते हो बेटा, एग्जाम्पल कैसा था एक बार बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में, है ना, बढ़िया शानदार एग्जाम्पल था, सिर्फ तुम्हारी जी स्क्वायर ढूंढ सकती है ऐसे एग्जाम्पल. मैंने बेटा तुम्हें पहले कहा था इकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टोरीज, मैं इसमें बस पढ़ा सकती हूँ रटवा सकती हूँ, इसके अलावा है क्या इस चैप्टर में बताओ, किलर है ना, किलर एग्जाम्पल था ना, तुम्हें समझ में आ गया, मेरे को पता लग गया, यस, चलो आ जाओ इधर, म्यूचुअलिज्म, लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं हो रही है, म्यूचुअल फंड्स अक्सर ये कहते हैं कि आपको भी फायदा हो रहा है कंपनी को भी फायदा हो रहा है, सच बता रही हूँ मुझे तो कभी फायदा हुआ नहीं, ठीक है, पांच साल पहले भी वो 2000 थे और आज तो शायद वो 1800 हो गए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर एट द रिस्क ऑफ मार्केट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके कारण मुझे इतना पता कि मैंने 200 रुपए दे दिए मार्केट को, उनको फायदा हो गया, हमको तो हुआ नहीं बेटा, ठीक है, यस बिल्कुल. तो आप देख सकते हैं म्यूचुअलिज्म ऐसा रिलेशनशिप है जहां दोनों पार्टी को फायदा होना चाहिए. तो आज इधर देखते हैं, दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट्स ऑन बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीशीज, तो बेसिकली इट इज अ पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप, प्लस एंड प्लस रिलेशनशिप है, ठीक है, यस,
बिल्कुल. और जब वो लाइन बोलते हैं ना बेटा, दे आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ऐसे बोलते. देखो देखो मैं बताती हूँ, अलग भाषा, लैटिन यूज कर रहे हैं. ओके, बिफोर इन्वेस्टमेंट एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ऐसे. यस, कई बार तो ऐसा लगता है भाई बोल क्या रहा है, बस बिल्कुल बिल्कुल दबी आवाज में फूंक दिया हो, जैसे मंत्र फूंक दिया, हैरी पॉटर मंत्र फूंक दिया, इतनी जल्दी बोलते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. लाइकन्स, इसका बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर वन लाइकन्स. लाइकन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ये तो हम बहुत पढ़ चुके हैं, सफेद रंग के होते हैं, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं, दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, है ना, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स है. ठीक है, बिल्कुल. लाइकन्स रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, ये बिल्कुल शादी का कार्ड छाप दिए हैं एनसीईआरटी. क्या है लाइकन्स रिप्रेजेंट एन इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस बायकॉट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है सांस बाहर निकल गई, इतनी हैवी अंग्रेजी एक साथ बोली है. ठीक है, फंगस एंड अ फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. ओके, बहुत बढ़िया लगा पढ़ के, बहुत बढ़िया लगा. यस, तो ये जो फंगस है और जो एल्गी है आपका साइनोबैक्टीरिया, दोनों के बीच का क्या है, प्यार है. ठीक है, बिल्कुल इंटरकास्ट हो रहा है यहाँ पे सब मामला, बट देख लो कितना बढ़िया है, नेचर आपको इंटरकास्ट के लिए हाँ करता है और आप लोग आज भी उसी चीज के बारे में सोचते हैं. तो बेटा फंगस और जो एल्गी है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, बहुत खुशहाली का रिलेशनशिप है. ठीक है, सिमिलरली द माइकोराइजा आर एसोसिएशन बिटवीन द फंजी एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और जो माइकोराइजा होता है, दिस एसोसिएशन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दिस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ वॉट, नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, बिल्कुल. The fungi helps the plant in the absorption of essential nutrients from the soil, while the plant in turn provides a fungi with energy yielding carbohydrates. तो fungi को वहां पे राशन मिल रहा है. fungi को क्या मिल रहा है बेटा? Yes. अच्छा, fungi को क्या मिल रहा है? राशन मिल रहा है. ठीक है, fungi को राशन मिल रहा है बेटा. And वहीं पे अगर हम बात करें plants को पैसा मिल रहा है in the form of mineral nutrients. ठीक है, yes. Ma'am, कौन सी fungi ma'am? अरे बेटा fungi है, क्यों जाने कौन सी fungi है. ठीक है, यस, माइकोराइजा वाली फंजी है, वैसे तो ऊपर लिखे ही है. द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल, ओहो, ये आपको लग नहीं रहा, वो डांस दीवाना एक सीरियल आता है, उसमें वो आजकल जज बैठते हैं. ठीक है, जज एक से एक इंग्लिश, सब जज के अपने वर्ड्स होते हैं. कोई कहता है ऐसे चुम्मा परफॉर्मेंस, कोई कहता है कि सुपर से भी ऊपर. ठीक है, अपना एनसीईआरटी का भी स्वैग है. द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड एवोल्यूशनरली fascinating example of mutualism are found in plant and animal relationship. चल, plant और animal के relationship में उन्हें सब कुछ मिल रहा है. अंग्रेजी से question नहीं आएगा, you can avoid that. ठीक है, yes. Plants need the help of animals for pollinating their flowers and disposing their seeds. तो जो हमारे plants, उन्हें animals की जरूरत क्यों है? Pollination के लिए. किसके लिए जरूरत है बेटा? Pollination के लिए. Pollinating their flowers and dispersing their seeds. Animals obviously have to be paid fees for the service that plants expect from them. तो बेटा अब आप किसी से pollination करा रहे हो तो कुछ तो दोगे, है ना? Yes. तुम्हारे दोस्त तो है नहीं कि काम करा, ओ सॉरी, दोस्त तो काम कराते ही नहीं अक्सर. आई एम सॉरी बेटा, वो वाला एग्जाम्पल गलत हो गया आज. ठीक है, यहाँ पे क्या बेटा, सीधी सी बात है, अगर आप ले रहे हैं हाँ से कुछ, उनसे पॉलिनेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उन्हें भी आपको कुछ देना पड़ेगा. तो प्लांट्स क्या यहाँ पे ऑफर करते हैं, क्या? रिवॉर्ड्स और फीस इन द फॉर्म ऑफ पॉलन, नेक्टर फॉर पॉलिनेटर्स एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर सीड डिस्पोजर. तो वही बात है, खाना पीना मुफ्त कर देंगे. ठीक है, ये अक्सर होता है, जैसे कि बच्चों को बेसिकली यही कराया जाता था कि स्कूल में कि आप पढ़ने आ जाइए, आपको मिड डे मील फ्री मिलेगी. तो इससे क्या होता था, बच्चों को ये लगता था हमें खाना भी मिल रहा है तो पढ़ भी लेते हैं. तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने भी सोचा कि जब बच्चों को पोषण भी मिलेगा तो इस चक्कर में हम उनको पढ़ा भी देंगे. तो दिस वॉज अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द स्टूडेंट्स, इट वॉज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट, है ना. नाउ बट द म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स. चीटर्स से भी बचना बेटा अपने आपको. ठीक है, चीटर्स क्या करते हैं भाई, रिवॉर्ड तो ले जाते हैं और पॉलिनेशन करते नहीं है. ठीक है, ये चीटर्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे बेटा, बहुत, आई एम टेलिंग यू. ऐसे चीटर्स तो बहुत मिल जाएंगे आपको. ठीक है, तो आओ देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन. नाउ यू कैन ऑल्सो सी वाई प्लांट एनिमल इंटरेक्शन ऑफन इन्वॉल्व को एवोल्यूशन.
of the mutualistic, that is the evolution of the flower and its pollinator. Species are tightly linked with one another. तो इन्होंने क्या कहा भाई, देखो चीटर आ रहा है, ठीक है, अब यहां पे ये डील साइन कर लेंगे. अब डील क्या होती है, बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में अक्सर ये डील होती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, अगर तेरे को कोई कुछ भी बोले तो मेरे को आके बता दियो, मेरे को कोई तेरे बारे में कुछ बोलेगा तो मैं तेरे को बताऊंगी, तुम ये चुगली मत करियो किसी के पास भी जाके मेरे बारे में, मैं तेरे बारे में कभी कुछ नहीं बोलूंगी और तू भी मेरे बारे में कुछ मत बोलियो. तो ऐसी चीजें क्या है, बेसिकली आपने एक अब साइन कर लिया है पैक्ट, वो पैक्ट कह रहे हैं कि ना तू मेरे बारे में कुछ बोल, मैं ना तेरे बारे में कुछ बोलूंगा और हम साथ साथ है. यस बिल्कुल ऐसा वाला चीज होती है. एंड दिस इज कॉल्ड फाइनली, अब ये लिंक हो चुका है, आप दोनों को कोई हिला नहीं सकता, ठीक है. Now, in many species of the trees, there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. अब इसके बारे में देखते हैं, चलिए. It means that a given fig species, example alert, यहां से example शुरू हो गया है, ठीक है, किसका, mutualism का. Fig, fig माने अंजीर, बहुत महंगी आती है, अगर रात में डुबो के सुबह खा लेंगे तो शायद थोड़ी बुद्धि आगे बढ़ पड़ेगी, ठीक है. Yes, बिल्कुल. तो fig species can be pollinated only by its partner wasp, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि fig species जो है उसका अपना wasp है, इनके बीच में deal है, wasp pollinate करेगा मैं खुश रहूंगा. तो इन दोनों ने क्या कर लिया, एक pact बना लिया है. तो partner कौन है इसका, wasp है, और अंजीर क्या है, हमारा plant है, ठीक है. Yes बिल्कुल. मैम गंदी लगती, अरे नहीं भिगो के खाओ बेटा नैन्सी, ऐसा करो अंजीर की मिठाई ले आया करो, वो बहुत टेस्टी होती है, ठीक है, 250 ग्राम ले आओ, महंगी होती है 250 ग्राम में, मतलब अगर सोचो 250 ग्राम है सब मिलके खा रहे तो तुम्हें 1.5-2 पीस के करीब मिलेगा, उसको भी आप 4 भाग में काट लो तो हफ्ता चल जाएगा. एवरी डे यू कैन हैव अ क्यूब ऑफ यू नो मिठाई, अंजीर की मिठाई, ऐसे आप कर सकते हैं. देखो 250 ग्राम में 6-7 पीस चढ़ेंगे, 6 पीस चढ़ जाएंगे, ठीक है, फिर उसको आप घर में 4 लोग भी होंगे 1.5 पीस के करीब मिलेगा, फिर उसको क्यूब्स में काट लेना और डेली एक क्यूब खाते रहना, ये बढ़िया तरीका है, ठीक है. यस चलो अब देखो इधर, द फीमेल वैस यूजेस द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओविपोजिशन एग लेइंग साइट बट यूजेस द डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग. अब देखो यहां पे बहुत बढ़िया रिश्ता बनाया, ठीक है. यस चलो अब देखो कैसे, अब देखो इधर, द फीमेल वैस यूजेस द फ्रूट ओनली एज एन ओविपोजिशन, नॉट ओनली एज ओविपोजिशन, मतलब एग लेइंग के लिए सिर्फ यूज नहीं कर रहा है, आपको ध्यान देना होगा सिर्फ एग लेइंग के लिए यूज नहीं कर रहा है वो फिक को, इट कैन ऑल्सो यूज द सीड फॉर नरिशमेंट, नरिशमेंट इट्स लार्वा, नरिशिंग इट्स लार्वा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो उसके होने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उसका न्यूट्रिशन भी यहीं से आ रहा है ना, मेडिकल MBBS वॉरियर्स. बट इट्स नॉट अबाउट कंजूसी, इट्स अबाउट यूजिंग द रिसोर्स नाइसली. आप ज्यादा खाएंगे आप मोटे हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल. यस क्या रखा है जिंदगी में, इतना इतना खाना, लड्डू दिखते तुम लोग खा जाते हो इतने इतने लड्डू. यस चलो आओ सब पढ़ो इधर, बोरिंग चैप्टर, आई कांट से दिस दैट दिस चैप्टर इज बोरिंग, यू कैन अटेंड GSOA क्लासेस इफ यू फील इकोलॉजी इज बोरिंग. Genuinely, मैं बोल सकती हूँ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे टू रीड NCERT ऑफ दिस चैप्टर. वरना आपको पता है बेटा, अगर हम, मैं बताती हूँ हाउ यूट्यूब ऑल्सो वर्क, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ बच्चों का जोश का, ये बताती हूँ, ये देखो यूट्यूब वर्क लाइक दिस. यस ठीक है, यूट्यूब वर्क लाइक दिस, आई टेल यू हाउ. चैप्टर लॉन्च डे, न्यू चैप्टर लॉन्च डे, जिस दिन चैप्टर लॉन्च होगा उस दिन इतने बच्चे आते हैं, ठीक है. सेकेंड डे ऑफ चैप्टर बस खत्म, थर्ड पे तो फिनिश, हाँ बस कुछ चुनिंदा बच्चे इतना एफर्ट ले पाते हैं कि वो आ पाए यहाँ पे, बस ये दिस इज आवर यूट्यूब वर्क्स. बट आई एम टेलिंग यू दैट हाउ जी स्क्वायर क्लासेस वर्क, यू कैन ऑल्सो सी दैट जी स्क्वायर क्लासेस वर्क अ लिटल लाइक दिस, या इट कैन बी लिटल लाइक दिस, मतलब कि भाई हमारे पास फिर भी इतना ऑडियंस रहता है एज कंपेयर टू दिस. अगर फर्स्ट डे वी हैव 1700 or 1800 किड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आज हम देख सकते हैं 1300 तो है ही अभी, ठीक है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT हाईलाइट सीरीज, ठीक है. चलो कल नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इकोसिस्टम, अब ये कर लेते हैं. द वैस पॉलिनेट्स द फिग इन फ्लोरोसेंस
while searching for suitable egg laying sites. अब देखो ये जो वैस स्पेस में पूरा घूमता जा रहा है, ऐसे घूम घूम के देख रहा है कहां बच्चे दूं, कहां बच्चे दूं, ठीक है, कहां बच्चे दूं, घूम रहा है, ठीक है. घूमते घूमते क्या कर रहा है, यहां का पॉलन उठा के यहां फेंक रहा है, यहां का पॉलन उठा के यहां फेंक रहा है. तो जो बचपन में रिंगा रिंगा रोजेस चलता था पूरा वही चल रहा है, ठीक है. यस, बिल्कुल. नाउ ऑर्किड शो अ बिविल्डरिंग डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरल पैटर्न्स, मेनी ऑफ विच हैव इवॉल्व टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट, ठीक है. तो जो हमारे ऑर्किड्स हैं, ऑर्किड्स आपको पता बहुत सुंदर होते हैं, बालों में लगाती हैं महिलाएं. जब भी कोई शादी का दिन आ रहा होता है परिवार में तो महिलाओं के फूल लग जाते हैं बालों में, ठीक है, बिल्कुल. तो उसमें से जो सबसे पसंदीदा फूल है महिलाओं का वो है ऑर्किड, ठीक. अब देखो यहाँ पे, अब इन्होंने क्या बहुत तरह के इन्होंने शेप्स वगैरह बनाई है. क्यों बनाई है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. टू एंश्योर गारंटेड पॉलिनेशन बाय इट, नॉट ऑल द ऑर्किड ऑफर रिवॉर्ड्स. ये रिवॉर्ड्स ऑफर नहीं करते, फिर भी इनमें क्या है, गारंटेड पॉलिनेशन हो रही है. क्यों बेटा, बहुत ही जबरदस्त दिमाग लगाया है यहाँ पे एवोल्यूशन ने, कहना पड़ेगा. द मेडिटेरेनियन ऑर्किड ओफायरस, ओफायरस बेटा एक गॉड का नाम है, आपको पता है ओफायरस इज अ नेम ऑफ अ इजिप्शियन गॉड, ओफायरस द गॉड ऑफ विंड्स, यस ओफायरस. आप गॉड्स ऑफ इजिप्ट एक मूवी थी, आप जरूर देखना, जेरार्ड बटलर भी है उसमें, एंड द मूवी इज वेरी अमेजिंग मूवी, इट हैज ग्रेट एक्शन सीक्वेंसेस. तो उसमें आप देखेंगे देयर इज अ गॉड ओफायरस, ठीक है, he has got two eyes, he has got big wings, he is a god of wind, ठीक है. सो ओफायरस नाम है, अब मैं आपको बता रही हूँ, याद रहेगा आपको, थोड़ी थोड़ी स्टोरीज आप याद रखते हैं. सो ओफायरस employs sexual deceit to get pollination done by a species of bee. तो ओफायरस क्या करता है, ये इच्छाधारी फूल है, ये लड़की की शेप ले लेता है, ठीक है, यस बिल्कुल, ये लड़की की शेप ले लेता है. अब यहां पे क्या होता है, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज. इसे जो पेटल है बेसिकली वो बिल्कुल महिला की तरह दिख रही है, ठीक है. अभी जो हमारा मेल बी है, ठीक है, बहुत सिंगल होगा अपनी जिंदगी में, बहुत सिंगल, अब वो भटकता भटकता देखता हो मेरी परी, ठीक है, परी परी करता हुआ आ गया. द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव्स, उसे लगा मेरी परी है, ठीक है, बट स्यूडो कॉपुलेट्स, ठीक है, ठीक है, अब आप समझ रहे हैं. विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट डस्टेड विद पॉलन फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है, यस बिल्कुल सही बात है. व्हेन दिस सेम बी स्यूडो कॉपुलेट्स विद अनदर फ्लावर इट ट्रांसफर पॉलन टू इट एंड दस पॉलिनेट्स अ फ्लावर. बेटा मैं तो उस बी की किस्मत सोचती हूँ कि दुनिया में आया ही क्यों वो, है ना बेटा, समझ रहे हो ना, दुख बहुत हाई लेवल का है. हियर यू कैन सी हाउ कोएवोल्यूशन ऑपरेट्स. How can you call this co-evolution? How can you call a co-evolution? अगर इसका April Fool पूरा you know साल वाला फूल बन रहा है, yes. कैसे? I don't see this as a co-evolution. यार, I really don't see this as a co-evolution. Pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance. जब तक resemblance रहेगा, तब तक pollination रहेगा. वरना तो pollination खत्म, है ना? आया कि नहीं आया सबको समझ में? Water break. Everybody drink water. सब पानी पिएंगे. Everybody drink water with G square. Water break time. एक बच्चे ने मेरे को कमेंट में लिखा, मैम water break के साथ साथ loo break भी होना चाहिए. बेटा फोन ले जाता हूँ loo में, ठीक है. अगर हिंदी वाला तो मैं समझ रही हूँ कि आपको बहुत दिक्कत होती होगी, पैर भी बिल्कुल झरना जाते हैं उसमें, बट अगर अंग्रेजी वाला है तो ले ही जाया करो, ठीक है. यस, वाटर ब्रेक लेंगे सब. एवरीबडी ड्रिंक वाटर. पीला सबने पानी. यस, अभी हिंदी वाले में थोड़ी दिक्कत तो है ही, ठीक है. यस, चलो जूस की रेसिपी बहुत जल्द डालूंगी बेटा मैं. मेरे को दो रेसिपी डालनी है तुम लोगों की गुड हेल्थ के लिए. यस बिल्कुल, आ जाओ. याद रही समरी, सबसे पहले तो ये वाली लाइन नोट कर लो, इसमें इकोलॉजी की पूरी डेफिनेशन सब कुछ दी है, ठीक है. देखो, इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है. टेम्परेचर लाइट, ये स्लो टी आपको पता है. हीमोस्टासिस रेगुलेटर, ये हमने कर लिया. ये देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकती हूँ कि इवोल्यूशनरी चेंजेस कौन से लेवल पे होते हैं, ठीक है. यस बिल्कुल, ठीक है. पॉपुलेशन हैव एट्रीब्यूट्स दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डू नॉट. बेटा इतनी नजर मत लगाओ ना मैम की ड्रिंक पे, हजम यार
नजर लगा देते हो तुम डेली की डेली, बता दूंगी रेसिपी बिल्कुल ही। चलो चलो बस, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं था। तो बेटा आज 12:45 पे, लाइक आफ्टर 45 मिनट्स, क्लास जल्दी ओवर हो गई, वरना आपको पता है हमारी यूट्यूब क्लास 1.5 घंटे की तो होती होती है। ठीक है, सो नाउ लेट मी टेल यू वन मोर इन्फॉर्मेशन। कल हमारा इको सिस्टम स्टार्ट होने वाला है, विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर इको सिस्टम, एंड इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट क्लास विद यू एंड मी। ठीक है, यस। सेकेंड, आज 12:45 पे यू हैव स्पेशल क्लास वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लाइक वी ऑलवेज डू। ठीक है, थर्ड थिंग, उड़ के आना है क्लास में। ठीक है, कैसे आना है सब बताएंगे चैट बॉक्स में, उड़ के आएंगे सबके सब। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उसको एनरोल जरूर करना है। एंड द टॉपिक फॉर टेस्ट सीरीज इज जेनेटिक्स। प्लीज क्लास मॉनिटर्स, यू कैन पोस्ट दिस, कशिश, नशीद, कृष्णा, यू कैन पोस्ट दिस इन द टेलीग्राम ग्रुप्स ऑल्सो। ठीक है, मेक श्योर बच्चो यू आर गेटिंग दिस डन। टॉपिक जेनेटिक्स है, इसका टाइम सैटरडे, हर सैटरडे होता है, एंड सुबह 9 से 10 होता है। और इस जो ये है, उन बच्चों को हम बुक्स देते हैं, एंड आई थिंक बुक्स विल बी ऑन द वे ऑल्सो। ये है बुक्स आपकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स है मेरे पास, ये है। और बेटा आई एम टेलिंग यू, इफ यू कीप ऑन डूइंग गुड, अभी तो मैं बायो की बुक्स दे रही हूँ, सून आई विल बी गिविंग यू बुक्स ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड फिजिक्स ऑल्सो। ठीक है, यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितने भी बुक है दैट यू विल गेट एट योर होम। ठीक है, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैम एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स, यस, जीरो नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, बिल्कुल, तो बैक्टीरिया को हार्म हो रहा है इसमें, तो दिस इज अ जीरो नेगेटिव रिलेशनशिप। द एंटीबायोटिक यूज कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ अमेंसलिज्म, दिस वॉज प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन। ठीक है बच्चो, डन। कल हम करेंगे क्या, कल हम मिलते हैं 11 बजे सुबह, एज वी ऑलवेज मीट। चलो बाय मेरे बच्चों, टेक केयर, बाय, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। बाय मेरे बच्चों, बाय, सी यू एट 12:45, बाय मेरे बच्चों।